ये एटीएम कार्ड हमारे पास है और ये विड्रॉल्स हो रहे हैं तो बैंक तुरंत वो एटीएम कार्ड फ्रीज करके लेकिन इस बीच हमारे बैंक से काफ़ी सारे पैसे विड्रॉ हो चुके थे एटीएम के बीच में एक डिवाइस होता है जिसे हम एटीएम स्विच कहते हैं उस स्विच में एक मेलवेयर डाला गया है मेलवेयर मतलब डेटा चोरी करने वाला सॉफ्टवेयर शक की सुई चीन की तरफ जा रही है तो वहाँ से ये मेलवेयर डाल के यहाँ से डेटा पूरा लिया गया है हमारे पिन नंबर का डेटा हुआ या हमारे कार्ड का डेटा हुआ नमस्कार मैं रविश कुमार सुबह सुबह जब आप अखबार में ये खबर देखें कि 32 लाख डेबिट कार्ड की सूचना उड़ा ली गई है तो पहले आप क्या करेंगे? बस चेक करेंगे कार्ड देखेंगे मोबाइल फोन में मैसेज चेक करेंगे कि बैंक की तरफ से कोई सूचना आई है या नहीं कुछ ही लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि ज़रा सा संदेह होने पर तुरंत कस्टमर केयर पर फ़ोन घुमाने लगते हैं और पिन नंबर ब्लॉक करा देते हैं मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या करें अगर डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से किसी ने पैसे चुरा लिए हैं तो उस पैसे की वापसी को लेकर उन्हें पता नहीं होता कि क्या मुसीबत आने वाली है बहरहाल बत्तीस लाख डेबिट कार्ड की जानकारी किसी के पास चली जाए या कोई साधारण घटना नहीं हो सकती है इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बत्तीस लाख कार्ड में से छब्बीस लाख कार्ड वीज़ा और मास्टर कार्ड के हैं छः लाख कार्ड रुपए प्लेटफॉर्म के बताए जाते हैं क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एच बैंक आईसीआईसीआई बैंक यस बैंक एक्सिस बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है माना जा रहा है कि भारत में अब डेटा चोरी के बड़े मामलों में से यह एक है लोग शिकायत कर रहे हैं कि चीन से किसी ने डेटा उड़ा लिया है डेटा का मतलब हुआ पिन नंबर नाम जन्मतिथि पता वगैरह वगैरह इन सब की जानकारी किसी गिरोह के हाथ में लग गई होगी बैंकिंग सेक्टर ने तुरंत ही ग्राहकों से संवाद करना शुरू कर दिया मैसेज भेजना भेजा जाने लगा कि अपना पिन नंबर पास के ए में जाए और वहां से अपना नंबर ब्लॉक बदल लें पिन नंबर और कस्टमर केयर में फोन करके कार्ड ब्लॉक करा लें क्योंकि बड़ी संख्या में डेबिट कार्ड की क्लोनिंग हो गई है उसकी नकल कर ली गई होगी इसका खतरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बैंक ने छह लाख पच्चीस हजार ग्राहकों के कार्ड ब्लॉक कर दिए दूसरा कार्ड इसके बदले दिया जा रहा है इतना बड़ा एक्सरसाइज कभी नहीं हुआ ग्राहकों से कहा गया कि वे बैंक को फोन कर नए कार्ड का आवेदन तुरंत कर दें एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि क्लोनिंग से नुकसान हुआ है मगर पैसे के हिसाब से कम है 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान उन्होंने बताया जिसे बैंक नियमों के मुताबिक भरपाई कर देगा एटीएम मशीन तक चोरी हो जाती है माए दिन देखते रहते हैं

प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के कार्ड का अपना सिस्टम है इन सभी की नीतियों की समीक्षा किए जाने की जरूरत है देखने की जरूरत है कि लीकेज कहां हो रहा है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया कई तरह की संस्थाएं हैं इसने बयान जारी कर कहा है कि सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है एनपीसीआई का कहना है कि 19 बैंकों के 641 ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की शिकायत आई है कुल मिलाकर एक करोड़ तीस लाख की रकम निकाली गई है इन कार्ड के साथ चीन और अमेरिका में फ्रॉड किया गया है बत्तीस लाख डेबिट कार्ड में सिंधमारी की घटना प्रमुखता तो पा जा पा जा गई लेकिन आए दिन इस तरह की ठगी के मामले आते रहते हैं किसी ना किसी के साथ ठगी होती रहती है इक्का दुक्का एक व्यक्ति को जो ठगी होती है तो वो तो अखबार की हेडलाइन नहीं बनती है लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमारी पूर्व सहयोगी रेवती लॉल पिछले महीने उनके साथ क्या घटना हुई अहमदाबाद में कि इसी तरह की ठगी हुई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के डेबिट कार्ड उन्होंने एक प्रतिष्ठित दुकान से ढाई हजार रुपए की खरीदारी की लेकिन ठीक उसी वक्त किसी दूसरे लोकेशन से उनके डेबिट कार्ड से मैसेज आता है कि आपके खाते से चालीस हजार रुपए निकाल लिए गए चार बार दस दस हजार रुपए पैसे निकाले जाने की का मैसेज आता है और रेवती अपने फोन पर देख रहे हैं कि वो कहीं और है पैसा निकालने का मैसेज कहीं और से आ रहा है जबकि उनके क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है अठारह हजार रुपए है तब भी चालीस हजार रुपए कैसे निकाल गए बस शुरू हो गया पुलिस का चक्कर बैंक को ईमेल करना मैनेजर से बात करना बैंक ने अस्थायी तौर पर चालीस हजार रुपए में वापस कर दिए इस शर्त के साथ कि विवाद के निपटारे तक यह पैसा आपको दिया जाता है रेवती का तर्क था कि विवाद किस बात सुरक्षा की सुरक्षा चूक हुई है तो बैंक की तरफ से हुई है आखिर कैसे एक ही समय में दो अलग अलग लोकेशन से जगह से कार्ड से पैसा निकल सकता है वो भी सीमा से ज्यादा तो क्या बैंक को पता नहीं चला अगर बैंक में इतनी सुरक्षा है तो उसे पता क्यों नहीं चला कि एक ही कार्ड से एक ही समय में दो अलग अलग जगह जो एक दूसरे से काफी दूर हैं वहां से पैसे निकल रहे हैं रेवती ने बताया कि उनके दो दोस्तों को जब पैसे निकाले जाने के मैसेज आने लगे ये एक अलग घटना है तो उन्होंने बैंक को फोन किया जब तक इसे एक दबाएं दो दबाएं चार दबाएं नौ दबाएं इनसे बात होगी तो ऑपरेटर से बात होते होते तो कई मिनट निकल गए और खाते से दो लाख रुपए निकल गए फिर उसके बाद वही झमेले का चक्कर हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बैंक रोज अपनी साइट पर बताते हैं कि आज कितने ग्राहकों ने धोखाधड़ी की शिकायत की या उनके साथ हुई या कितनों के साथ इन शिकायतों का निपटारा हुआ 10 सितंबर को हमारे सहयोगी रवि रंजन शुक्ला ने एक स्टोरी फाइल की दिल्ली के कंझावाला से कि वहां किसी ने क्लोन बनाकर एटीएम से करीब छह लोगों के लाखों निकाल लिए

रेपती लाल ने तो भाग दौड़ करके अस्थायी तौर से पैसा वापस ले लिया लेकिन ये लिखे जाने से पहले रविश ने एक बार फिर से चेक किया इन लोगों को कोई पैसा नहीं मिला कोई सुनवाई नहीं हुई थक हार कर इनमें से किसी एक ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है हारे को पीएमओ को सहारा टाई जबकि भारतीय रिजर्व बैंक बार बार साफ कर चुका है कि अगर बैंक की तरफ से कोई ढिलाई हुई या किसी तीसरे पक्ष ने कोई गड़बड़ी की तो ग्राहक किसी भी हाल में जिम्मेदार नहीं होगा और उसे उसका पैसा वापस देना होगा रिजर्व बैंक की जानकारी के मुताबिक इकतीस जुलाई दो तक देश में उनहत्तर करोड़ बहत्तर लाख डेबिट कार्ड इस साल फरवरी में बांग्लादेश में एक हुई वहां के सेंट्रल बैंक से चोरों ने 660 करोड़ की रकम निकाली दुनिया में इससे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड शायद नहीं हुआ होगा सेंट्रल बैंक के प्रमुख अतिर रहमान को इस्तीफा भी देना पड़ा एक महीने बाद अभी तक यह पैसा वापस नहीं मिला है जांच वांच चल रही है बैंक जब पिन बदलने के मैसेज भेजते हैं तो क्या आप दौड़कर कर पिन बदलने जाते हैं, से लेते हैं। सही सही बोलिएगा मीरा सान्याल हैं आरबीएस बैंक की प्रशांत माली साहब हैं आप साइबर एक्सपर्ट हैं और दत्तात्रेय उतेकर साहब हैं आपके खाते के साथ हेर हुई है मीरा जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आ, मैं भी डर गया बत्तीस लाख डेबिट कार्ड के जानकारी अगर हैक कर ली गई है तो आ, क्या ये वाकई ज्यादा डरने की बात है और जिस तरह की कहानियां व्यक्तियों की जब कहानियां मैं देखता हूं तब तो फिर यह भरोसा कम होता है जब बैंक कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारी सुरक्षा बहुत है, मजबूत है क्या इतनी है देखिए रवीश जी ये जो साइबर हैकिंग आज की तारीख में हुआ है उसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है जहां तक मुझे बताया गया है जहां तक मैंने पढ़ा है ऐसे लग रहा है कि ये एक प्राइवेट बैंक की आ, समस्या है और जहाँ पर कई बैंकों के कस्टमर जा चुके हैं अपने एटीएम कार्ड वहां पर डाल चुके हैं hmm. ब्रीच एक बैंक के एटीएम सिस्टम से हुआ है hmm. तो मान जाइए ये प्राइवेट बैंक एबीसी बैंक है hmm. और जो सिस्टम प्रोवाइडर है वो एक्स वाई जेड सिस्टम प्रोवाइडर है hmm. तो एक्स वाई जेड सिस्टम प्रोवाइडर के यहाँ पर मेलवेर है hmm. जो किसी विदेशी देश से सस्पिशन hmm. है कि वहां से आ रहा है hmm. तो अगर ये है दिस इज अ लिमिटेड ब्रीच इट इज लिमिटेड टू द एम्स ऑफ वन बैंक और जहां तक मैंने समझा है दिस ब्रीच हेज टेकन प्लेस बिटवीन मे एंड जुलाई दिस ईयर तो uh, मेरा ये मानना है कि जब एस ने अपने कार्ड होल्डर्स को uh, कहा है छह लाख कार्ड होल्डर्स को कहा है कि दे आर डूइंग अ रिकार्डिंग एक्सरसाइज ये अबंडेंट uh, प्रिकॉशन है हुँ. और इन कार्ड होल्डरों को जरूर जाकर के अपना कार्ड ऑफ कोर्स दे हैव टू चेंज इट एंड दे शुड गो थ्रू विद दैट प्रोसेस ये कहना कि ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है मेरे राय में जितना हमारे पास अब इंफॉर्मेशन है वो शायद गलत होगा हम्म अपर मुझे एक बताइए कि आप जब कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड सिस्टम प्रोवाइडर है तो मैं मान लूं कि वो कोई एक अलग कंपनी है बैंकों से अलग कंपनी है जिसके यहाँ ये गड़बड़ी हुई है दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मई और जुलाई के बीच की यह घटना है अभी ये सूचना बाहर आई है तो क्या बैंकों को तुरंत उसी वक्त लोगों को नहीं बताना चाहिए था हाँ जरूर बताना चाहिए था लेकिन शायद आई रियल क्वेश्चन इज कि हमें पता कैसे चला है कि इतने सारे कार्ड्स अफेक्टेड हैं हुँ. तो ये खबर किसको कहाँ से मिली है क्या एक्स वाई जेड सिस्टम प्रोवाइडर ने ये खबर बैंकों को दी है क्या आरबीआई ने जांच की है क्या बैंकों ने अपने साथ से डिसाइड किया है क्योंकि डेफिनेटली छह लाख कस्टमरों की पैसे मतलब नहीं गुम हुए हैं hmm. so hmm. है। है। आपसे जानना चाहता लाख लोगों के गुम नहीं हुए अभी जो एनपीसीआई ने कहा है कि कोई छह सौ इकतालीस लोगों के एक करोड़ तीस लाख गुम हुए तो उन छह सौ लोगों के कितना दिमाग खराब होगा मेरे ही दफ्तर में कई लोग बता रहे हैं कि उनके अकाउंट से कभी बीस हजार रुपये उड़ गए कभी तीस हजार रुपए उड़ गए और वो परेशान है जो अहमदाबाद की कहानी बताई जिनके अकाउंट से दो लाख निकल गए या रेवती लॉल के कि सीमा है अठारह हजार से ज्यादा नहीं निकल सकता और चालीस हजार रुपए उनके अकाउंट से निकल जाते हैं ये no question about it. ये तो डेफिनेटली सिस्टम ये सिस्टम फेलियर है हालांकि अब अगर लेट्स लुक एट जो साधारण ट्रांजैक्शन है चाहे आप मान जाइए आप नेट बैंकिंग पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या इंटरनेट बैंकिंग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ज्यादा करके बैंकों में से आपके पास एक ओटीपी मैसेज जा आ जाता है मोबाइल फोन पर तो बैंक आजकल क्या करना चाहते हैं दे आर डूइंग अ डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने अपना पिन डाल दिया या आपने अपने पासवर्ड डाल दिया और उसके साथ आपका ओटीपी आ गया बैंक्स आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सिक्योरिटी और मैं ये भी कहूंगी रवीश जी hmm. कि जो हमारे यहाँ जो इंडिया में सिक्योरिटी है वो कई hmm. देशों से ज्यादा है क्योंकि मान जाइए आप यूके में हैं या यूएसए hmm. में हैं hmm. आपने वहां पर अगर इंटरनेट ट्रांजैक्शन कोई की होगी तो वहां पर आपके पास ये ओटीपी का डबल ऑथेंटिकेशन नहीं होता है सो बैंक्स आर डेफिनेटली मेकिंग एन एफर्ट बट ये भी है कि आजकल के जो हैकर्स है जो साइबर क्राइम है जो चोर है hmm. वो भी बहुत होशियारी से आगे बढ़ रहे आप प्रशांत जी थोड़ा हम जानना चाहते हैं बहुत सारे हमारे दर्शक हैं हम खुद भी ये जानना चाहते हैं कि ये आ, हम कैसे माने कि हमारा डेबिट कार्ड सिक्योर है मीरा जी कह रही हैं कि बाकी देशों की तुलना में हम बेहतर हैं बहुत सारे चेक्स के सिस्टम बनाए गए हैं और ये अपवाद हो सकता है एक सिस्टम से ब्रीच हो सकता है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सचमुच कोई आ, एक सामान्य मामूली सी घटना है मैं तो इसको सामान्य घटना नहीं मानता क्योंकि ये पहली बात तो ये चार महीने पहले हो चुकी है चार महीने से बैंक जानती थी कि ये आपका और मेरा जो हम उनके ग्राहक है इसका डेटा लीक हो चुका है ये बैंकों का डेटा नहीं है ये आपका और मेरा डेटा है तो हमें तो पहले बताना चाहिए कि हमारा डेटा लीक हुआ है आप क्या प्रिकॉशंस लो अब जब पूरी तरह से बात मार्केट में आ चुकी है जब भी एस ने एक स्टैंड लिया और कार्ड्स ब्लॉक कर दिया कार्ड्स तो भी इशू कर दिए थे उन्हें पिन नंबर भी नए दिए गए थे मतलब ये कल्पेबिलिटी इनके दिमाग में पूरी तरह से थी तो इनको हमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाना चाहिए ग्राहकों के तरफ क्योंकि ये फ्रॉड्स होते रहते मेरे पास गरीब लोग आते हैं जिनके पैसे गए होते हैं जिन बेटी बेटियों के शादी के लिए रखे होते हैं किसी ने कोई ऑपरेशन के लिए रखे होते हैं इनका पैसा जाता है फिर बैंक इनको डोर टू डोर भगाता है फिर कोर्ट्स टू कोर्ट्स ये जाते हैं अपने पास अभी जो दूसरे हैं वो भी आपको बताएंगे कि कैसे इनको भगाया जाता है डेढ़ डेढ़ दो दो साल और इनको पैसा नहीं दिया जाता अगर लोअर कोर्ट में हम जीत भी जाते हैं मैंने कितने ही सारे करीब दो तीन करोड़ ढाई करोड़ के मैटर नीचे के कोर्ट में जीते हैं हाई कोर्ट में अपील कर लेते हैं लेकिन पैसे नहीं देते बैंक जब जबकि आरबीआई ने इनको क्लियर कट कहा है कि पांच हजार तक का ही फ्रॉड का अगर आप पे फ्रॉड होता है तो आपका जो लॉस लिमिटेशन है वो सिर्फ पांच हजार का है फिर भी बैंक उनको यहाँ वहां भगाती रहती है और उनको पैसा नहीं देती इस तरह से क्या हो रहा है कि जो मोदी जी का हमारा सपना है डिजिटल इंडिया का वहां ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं बचा है आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो और आप लॉस ही पाते रहो तो जितनी नई आने वाली पीढ़ी है जो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहती है या जो पीढ़ी कर रही है इसके अंदर ट्रांजैक्शन उसका विश्वास नहीं रहेगा पर प्रशांत जी कैसे तो इसका दिले दिले का का देख रहे हैं कि लोग मोबाइल बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं कई लोगों का हम देखते हैं तो इसका मतलब सिस्टम पे कुछ ट्रस्ट होगा आप आपकी ये बात व्यवहारिक लगती है कि जो शिकायतें हैं उनके निवारण का मैकेनिज्म ठीक नहीं है लेकिन कई दोस्त जैसे रविश रंजन शुक्ला कह रहे थे कि वैसे एटीएम से पैसा नहीं निकालना चाहिए जहां कम लोग जा, जाते हैं जहां भीड़ भाड़ नहीं है तो वहां क्लोनिंग जैसी हो सकती है अब हम तो किसी भी एटीएम से रुक के पैसा निकालते हैं हमें क्या पता कि यहां पे लोग आते जाते हैं या नहीं है यहां हर जगह 500 लोगों की लाइन रहती है या नहीं रहती है। तो हमको बैंकों को चाहिए कि जो इसका ट्रेनिंग है कि किस जगह पे पैसा निकाला जाए पे क्लोनिंग क्लोनिंग जब भी होती है तभी उसके ऊपर एक रीडर बिठाया जाता है तो वो सामान्य आंखों को दिख जाता है या एक एक्स्ट्रा कैमरा बिठाया जाता है वो भी सामान्य आंखों को दिख जाता है तो इसके बारे में जितना ज्यादा अवेयरनेस फैलाए बैंक अगर अपना कोई बजट या आरबीआई इनको कंपलसरी कर देती है कि इतना बजट आप कस्टमर अवेयरनेस के लिए ही खर्च करें क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक साधनों को यूज करके अपना मुनाफा तो बढ़ा रहे हैं लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक साधनों के वजह से जो लॉसेज हो रहे हैं आपके ग्राहकों को उसके प्रति आप जागरूक नहीं आप उनको उतना ज्यादा अवेयर नहीं कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए क्योंकि अभी देहातों में तो, तो इससे बुरी हालत है वो तो किसके पास जाना चाहिए ये भी उन्हें पता नहीं होता कि पुलिस में जाना चाहिए या कोर्ट में जाना चाहिए उनकी तो पेशी ही नहीं होती और वो दस बीस हजार उनके लिए काफी बड़े होते हैं हम यहाँ बैठ के हमें दस बीस हजार या तीन चार हजार कम लगते हैं लेकिन ऐसी सारी गैंग मेरे सामने आ चुकी है जो सिर्फ चार पांच हजार में ही लोगों को लूटती है उन चार पांच हजार से मोबाइल रिचार्ज करवाती है आपके बैंक अकाउंट हैक करके हाँ। मोबाइल रिचार्ज करने का बड़ा गोरख धंधा पूरे भारत में चल रहा है प्रशांत एक एक सवाल का जवाब और दे सकते हैं जो शिकायतें आप तक आती हैं है ना ए, 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 उनसे अंदाजा क्या आपको लगता है कि एक एक करके जैसे किसी दत्तात्रेय जी के अकाउंट से उड़ गया या किसी और के अकाउंट से उड़ गया जैसे रेवती ने बताया इंडिविजुअल संख्या का ज्यादा हो सकती है क्या हमारे पास ऐसी जानकारी मिलती है आ, कलेक्टिव रूप से कि आज तमाम बैंकों में जैसे बत्तीस लाख में ऐसा सूचनाएं उड़ी हैं तो कम से कम आज दस हजार लोगों के साथ पैसे उड़ा लिए गए चोरी हो गई उनके साथ ऐसा कभी सुनने को मिला ऐसा कोई है इंफॉर्मेशन ये कलेक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस जो है वो अपने यहाँ बनानी है लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती है उसपे हाँ। हरियाणा में ऐसे एक गाँव एक उभर के आया है जहां सिर्फ उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एटीएम के लूपहोल्स को कैसे एक्सप्लॉयट करो और उसमें से कैसे पैसे निकालो नोएडा और जमात्रा जैसे झारखंड में गांव है वो सिर्फ फ्रॉड में डील करते हैं उनको फोन के माध्यम से और ऑनलाइन माध्यम से कैसे फ्रॉड किया जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे निकाला जाए जा तो देखो इससे क्या होता है ये फोन के माध्यम से भी करते हैं तो ये जो मोबाइल ऑपरेटर है इनकी भी कल्पेबिलिटी आती है कि इतना फोन क्यों यूज हो रहा है ये ग्राहकों को कैसे ठगा जा रहा है फिर ये जो एटीएम मशीन यूज करते हैं ए मशीन के अंदर जो सीसीटीवी लगा होता है उसको इंटेलिजेंस हाँ। उसको इंटेलिजेंट कैसा किया जाए कि भाई अगर कोई आके कार्ड में कोई एक्स्ट्रा चीज लगाता है या एक्स्ट्रा चीज कोई एटीएम में बिठाता है तो एक इंटेलिजेंट कैमरा तुरंत भाप करके बैंक की जो मॉनिटरिंग टीम होती है उसको आगाह कर सकती है लेकिन बैंक ये नहीं करती क्योंकि बैंक उतने ही काम करती है जितना आर मांगती है और आरबीआई की अगर आप साइबर सिक्योरिटी रूल्स वगैरह देखते हो तो रही? वो पुराने हो चुके हैं तीन चार साल पुराने उनके आ चुके हैं और नए रूल्स बैंक तो इतना भी नहीं कर सारे बैंकों ने इतना भी नहीं किया है कि बैंक आरबीआई ने मांगा है कि आप चिप और पिन कार्ड बिठाइए हाँ. आज भी बैंक जाके बैंकों ने जाके आरबीआई के पास अपना दुखड़ा रोया है और कहा है कि आप हमें और एक साल एक्सटेंड कर दीजिए तो अभी भी हम वो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला कार्ड यूज कर रहे हैं जो कि आसानी से क्लोन हो सकता है ठीक है थीक। तो ये जो क्लोन आने वाले कार्ड अगर हमारे सिस्टम में बने रहेंगे तो हम फ्रॉड जो गरीब जनता है वो फ्रॉड की शिकार होती रहे होती रहेगी दत्तात्रेय जी आप बता सकते हैं संक्षेप में कि जब आपके ए कार्ड से पैसा जब निकला तो उसके बाद आपको क्या क्या करना पड़ा और कहाँ कहाँ आपको चक्कर लगाने पड़े सर uh, एक्चुअली मेरा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है हाँ. uh, मैं मेरे सैलरी अकाउंट में मैंने होम लोन के लिए मैंने पैसा बचा के रखा था हाँ. और जस्ट आठ लाख अमाउंट होते ही मैं प्लान था कि आई डी बैंकों बैंक को चेक देने वाला था होम लोन नील करने के लिए हाँ. मेरा सैलरी अकाउंट आईसी बैंक में था हाँ. और 26 जुलाई 2015 2015 में मेरा सैलरी अकाउंट हैक हो गया हुँ. और उसके बाद इमीडिएटली मैंने एफआईआर किया आ, आ, अपने ये जो टाटा को मैंने कंप्लीट लिखा है लेकिन उसके बाद जो भी कुछ मैंने कुछ कुछ नहीं है को भी भी पकड़ा गया तीन को। उससे पुलिस रिकवर नहीं कर पा रही इस घटना को अभी कम से कम डेढ़ साल हो गया है हुँ. और मैंने मंत्रालय में आई टी से उधर मैंने मेरा केस भी दाखिल किया लेकिन मुझको पेशी नहीं मिल रहा है आपको आठ लाख पैसा मिला आपको आठ लाख रुपया मिला सर एक रुपया भी नहीं मिला आठ लाख तो बड़ी बात है सर मेरा घूमने फिरने में चालीस पचास हजार गया ऐसे मीरा जी आप बताइए कि आठ लाख रुपया किसी के अकाउंट से चला जाए मतलब तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा तीन हजार चार हजार ही बहुत होते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें मतलब तो अगर किसी के अकाउंट से चला जाए बैंक के फ्रॉड की वजह से उसके सिक्योरिटी चूक की वजह से तो हम तो सिक्योर नहीं है किसी भी एक व्यक्ति के साथ ये घट जाए तो क्या कर सकता है ये आपका कहना बिल्कुल सही है रवीश जी और जैसे प्रशांत जी ने भी कहा ऐसे गैंग्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं जो आ, कस्टमर को बेसिकली लाचार छोड़ देते हैं और जैसे आपने कहा आर के नियम बहुत स्पष्ट हैं कि बैंक की जिम्मेदारी है कि वो वो कस्टमर के जो लॉसेस है

नहीं मैं 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 इनके साथ मतलब मैं क्या कह सकती हूँ बिल्कुल इनके साथ हमदर्दी है आ, और कुछ नहीं वो कह रहे हैं आईसीआईसीआई है आएसी 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 आए, तो चंदा कोचर को एक मैसेज लिख ले अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं तो वो कुछ करे मैं कुछ बात कर सकता हूँ क्या जी जी बोलिए हाँ, हाँ, जस्ट आपने जस्ट अभी एक सब्जेक्ट ओपन किया है मैंने चंदा कोचर मैडम को इतने लिखे इतने लेटर लिखे मैडम कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया उनका कुछ ग्रेवेंस पॉलिसी उसके हिसाब से वो आराम से एक महीना महीना लगा उसके बाद लेटर दिया इवन दो मैंने बैंकिंग में मैंने राइट किया कि कि उधर बोल रहे थे कि आ, ये आ, आपका है वजह से प्रशांत जी आप बता सकते हाँ, हैं क्या और, RBI? हाँ, और एक आप बिलीव नहीं करोगे ट्वेंटी सिक्स को जुलाई को मेरा इंसिडेंट हो गया मैं एक महीना वेट किया क्योंकि आरबीआई का रिप्लाई आने के टाइम पे उसको मैं बाद में मैंने नाइनटीन को मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया कि आई लॉस्ट माय हार्ड एंड मनी सेवन लैक एटी थाउजेंड आप बिलीव करेंगे चार दिन में मुझको सिक्सटी थाउजेंड शेयर मिला उसके बाद मैं जिधर जॉब करता हूँ पवई में उधर आईसीआई बैंक का गौरव अरोरा मेरे सीईओ को फोन किया बोल रहे हैं कि आपका एम्प्लॉय आपका पोस्ट निकालने के लिए तो मेरे सीईओ बोले कि आप मेरे एम्प्लॉ का पैसा दीजिए वो इमीडिएटली पोस्ट निकाल देगा वाह वाह ये हाँ, ये, और हाँ, यही बात आप, आपको पहले बतानी चाहिए थी कि आप, आप जहाँ नौकरी करते हैं वहां पे बैंक के अधिकारी ने फोन किया कि ये पोस्ट हटाने के लिए तो प्रशांत जी हाँ, अ, हाँ. समय कम है ये बता दीजिए कि आरबीआई गाइडलाइंस देती है पर आरबीआई क्या कर सकती है इनके लिए मुझे तो नहीं लगता कि बैंक आरबीआई के गाइडलाइंस को का पालन करते हैं हम फालतू में ही आरबीआई आरबीआई किए रहते हैं आर की गाइडलाइंस जो आती है इनको फॉलो करनी होती है लेकिन ये अपना कभी टेक्नोलॉजी का कभी अपने मुनाफा का ये अलग अलग दुखड़ा इनके पास ले जाती है अभी इस बार तो आप देखिए कि आर की भी चूक हुई है आर पूरी संज्ञान में थी कि इस तरह का जो डेटा लीकेज हुआ है आर के संज्ञान में था लेकिन आर से स्टेटमेंट आज तक नहीं आई है तो आरबीआई का भी जो हमारा ग्राहक है उसके प्रति कुछ बनता है, को भी में लेना इतनी बड़ी बैंकिंग है जो हम सालों से उन ट्रस्ट करते है, तो आरबीआई सूचना प्रगोगी कायदे के नीचे आती है उसने भी हमें कोई एडवाइजरी नहीं दी सरकार ने एनसीआईआई पी भी बना रखा है नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन उसने भी किसी को आगाह नहीं किया इसके बावजूद जैसे आप देखो कि हमारे यहाँ पे प्रिवेसी एक्ट जो है जो प्रदेश में चलता है यूरोप में और यूके में अगर वो नहीं होने से क्या होगा कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि डेटा लीकेज रिपोर्ट करे डेटा लीकेज तो बस मीडिया के जरिए या कोई विसल ब्लोअर निकालता है तो ही डेटा लीकेज यहां पता है अगर जब तक हमारे पास प्रिवेसी लॉ बड़ा सा आता नहीं है और उसके जह बड़ी सी पनिशमेंट नहीं होती आज अगर आर फाइनेंशियल पेनल्टी इन बैंकों पे लगा दे और ये जो बैंक के अफसर है उनको एक दो को क्रिमिनल केस में अगर जेल हो जाती है सारी बैंकिंग फ्रेटर्निटी लाइन पे आ जाएगी सारी बैंकिंग फ्रेटर्नेटी इसको संजीदा मुहूर्त में देखे बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करते समय मैं खुद ही मुद्दे को नए तरीके से जो पढ़ के आया था और जो आप बता रहे थे खुद ही समझने लगा लेकिन आप दर्शक अपने आप को दत्तात्रेय की जगह रखकर देखिए कि जब आपकी अपनी कमाई लुट जाती है तो आप अकेले हो जाते हैं लेकिन राजनीति आपके साथ क्या करती है हमेशा आपको भीड़ का हिस्सा बनाए रखती है नारों में घुमाती रहती है दत्तात्रेय जी भी किसी नारों और किसी भीड़ का हिस्सा होंगे लेकिन वो भीड़ वो राजनीति उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। आप फोटो समझ गए अगर नहीं समझे तो ब्रेक के बाद कोई और स्टोरी देखते हैं